हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी एग्जाम दे विच। सो गाइस, इस वीडियो दे विच अज आपां पंजाब दा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो डिस्कस करांगे जी। सो जिहड़ी कि पंजाब दे एग्जाम दे लई महत्वपूर्ण है जी। सो इस वीडियो दे विच अज आपां पंजाब दी जिन्नी भी नदियां जां भारत दी जिन्नी भी नदियां होणगियां सारी इस वीडियो विच डिस्कस करांगे जी। तो वीडियो नूं एंड तक जरूर देखियो, तो सारे क्वेश्चन ने जो इंपोर्टेंट ने जी, ठीक है। तो तुसीं इसी PDF लैण लई तुसीं टैलीग्राम चैनल नाल जुड़ सकदे हो, उसका लिंक है जो वीडियो डिस्क्रिप्शन दिता हुआ जी, ठीक है। उत्थे जाके तुसीं टैलीग्राम नाल जुड़ के PDF प्राप्त कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट हुआ दोस्तों, अज्ज दी वीडियो नूं स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित विचों किहड़ी नदी नूं रेवा दे नाम नाल जाणा जांदा जी। सो अपने कोल चार ऑप्शन ने जी, ठीक है। तुहानूं 3 सैकंड मिलते हैं, अगर तुहानूं वध समां चाहिदा है तां तुसीं वीडियो नूं पॉज करके इसका आंसर है जो गैस कर सकते हो। तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, नर्मदा। तो कि नदी है जी जिसनों रेवा के नाम ना जाना है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि नर्मदा जाने जाता है जी, ठीक है। तो यह भारत के मध्य खेत्र में स्थित एक नदी है जी, ठीक है। दोस्तों इसको भारतीय उपमहाद्वीप में पांचवीं लंबी नदी वजो जाना जाता है जी, जो नर्मदा है, ठीक है। सो भारतीय उपमहाद्वीप में पांचवीं लंबी नदी वजो जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, वधदे आप नैक्सट क्वेश्चन के वल। नैक्सट क्वेश्चन गाइज, अपने को निम्नलिखित विचों कि नदी गंगा की सब तो लंबी सहायक नदी है जी। सो गंगा की सब तो लंबी सहायक नदी कि इन दिनों, तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यमुना। सो यमुना जो गंगा की सब तो लंबी सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वादे अपने नैक्सट क्वेश्चन के वाल। नैक्सट क्वेश्चन दोस्तों अपने को निम्नलिखित विचों कि नदी हिमालय के पार तो निकलती है। तो राइट ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा जी, सिंधु नदी, ठीक है। जो सिंधु नदी है वह हिमालय के पार तो बहती है। तो राइट ऑप्शन नंबर इस बी है दोस्तों। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ठीक है जी, चंगी तरह याद कर लेना। वादे अपन नैक्सट क्वेश्चन के वाल। नैक्सट क्वेश्चन दोस्तों अपने को भारत की हेठ लिखे विचों कि नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है जी। तो दसना दोस्तों इन्होंने कि नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, तापती नदी, ठीक है। दोस्तों जो तापती नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती, बाकी उपने तीन ने डेल्टा बनाया ने। तो राइट ऑप्शन नंबर डी है। तो वादे अपने नैक्सट क्वेश्चन के वाल। नैक्सट क्वेश्चन गाइज, अपने को पंजाब के निर्माण में सब तो महत्वपूर्ण नदी कि है जी। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये तो पंजाब के निर्माण में सब तो महत्वपूर्ण नदी कि है जी। तो राइट ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, सिंधु नदी। सो सिंधु नदी है जो पंजाब के निर्माण में सब तो महत्वपूर्ण नदी है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, चंगी तरह देख लो इसको। तो वादे अपने नैक्सट क्वेश्चन के वाल। नैक्सट क्वेश्चन गाइज, अपने को प्रायद्वीप भारत की सब तो बड़ी नदी कि है जी इन्हों। तो राइट ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोदावरी। सो गोदावरी नदी है जो प्रायद्वीप भारत की सब तो बड़ी नदी है, तो तुम याद रखना जी। तो वादे आप नैक्सट क्वेश्चन के वल। नैक्सट क्वेश्चन है गाइज, अपने को भारत में यरलोंग जगबो नदी कि नाम ना जाना जाता जी। तो राइट ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा सी यानी कि ब्रह्मपुत्र। सो ब्रह्मपुत्र नदी है जो उसको यरलोंग जगबो नदी के नाम ना जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है दोस्तों, चंगी तरह याद कर लेना, ठीक है। पंजाब के पेपर के पूछा जा सकता क्वेश्चन है। वादे अपने नैक्सट क्वेश्चन के वाल। नैक्सट क्वेश्चन गाइज, अपने को भारत की निम्नलिखित नदियों में किसू जैविक मारतुल कहें हैं जी। सो जिन्नी भारत की नदियां ने उन्होंने किसू जी जैविक मारतुल कहें हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, दामोदर नदी, ठीक है। सो जो दामोदर नदी है उसमें जैविक मारथल भी कहते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। जो दोस्तों जेकर वीडियो वधिया लगी हुई तो वीडियो में लाइक जरूर कर दियो, ठीक है जी। तो सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे, तो वादे अपने नैक्सट क्वेश्चन के वाल। नैक्सट क्वेश्चन गाइज, अपने को हेठ लिखे नदियों में किसका सब तो बड़ा जल ग्रहण खेत्र है जी। सो सब तो बड़ा जो जल ग्रहण खेत्र है इन्होंने किसका जी। तो राइट ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, गोदावरी का। सो गोदावरी नदी का सब तो बड़ा जल ग्रहण खेत्र है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। सो गोदावरी राइट आंसर। वादे अपन नैक्सट क्वेश्चन के वाल। नैक्सट क्वेश्चन गाइज, अपने को हेठ लिखे नदियों में किसू दक्षण भारत की गंगा कहा जाता है जी। सो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, बहुत बारी ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के रिपीट होया। तो जो दक्षण भारत की गंगा है जी वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोदावरी कहा जाता है जी, ठीक है। सो दक्षण भारत की गंगा गोदावरी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, चंगी तरह याद कर लेना गोदावरी नदी। वादे अपने नैक्सट क्वेश्चन के वाल। नैक्सट क्वेश्चन गाइज, अपने को दुध गंगा नदी कि राज केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जी। सो दुध गंगा नदी है जो वो कि राज केंद्र शासित प्रदेश स्थित है जी।
तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों जम्मू और कश्मीर के। सो जो दुध गंगा नदी है वह जम्मू और कश्मीर के है, ठीक है। तो तुम याद रखना ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। तो वादे आप नैक्सट क्वेश्चन के वल। नैक्सट क्वेश्चन गाइज, सतलुज में भारत वैदिक सभ्यता काल दौरान की कहा जाता सी? सो भारत वैदिक सभ्यता काल के दौरान सो सतलुज नदी है उसनों की कहेंगे सन? तो राइट ऑप्शन नंबर दोस्तों ए है जी स्तुद्रु या स्तुद्री, ठीक है। तो इस दो नाम याद रखने को सो याद भी दिता है, ठीक है जी। स्तुद्रु या स्तुद्री तो इस नाम ना जानते सी, यानी कि भारत वैदिक काल के दौरान सतलुज नदी को। तो दोस्तों जो सतलुज नदी है, ठीक है, वह पंजाब उत्तरी भारत सब तो लंबा दरिया है जी सतलुज। तो इस ब्यास भारत के पंजाब सूबे में आके मिल जाता है। तो यह पाकिस्तान के पंजाब के बगता हुआ चनाब दरिया को नाल मिला हुआ पंचनद दरिया बना जी, तो जो कि अंत में सिंध दरिया बना है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए है। तो वादे आप नैक्सट क्वेश्चन के बाद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस बहुत ज़्यादा ये। नैक्सट क्वेश्चन अपने को दोस्तों, रावी को भारतीय वैदिक सभ्यता दौरान किस नाम जाने जाता सी? उपर सतलुज थी इतने रावी है दोस्तों। सो रावी को भारतीय वैदिक सभ्यता काल के दौरान किस नाम जाने जाता सी? तो राइट ऑप्शन नंबर बी दोस्तों पुरशनी। जो रावी दरिया है उसनों भारतीय वैदिक सभ्यता के काल दौरान पुरशनी के नाम ना जाने जाता सी। तो जो दोस्तों रावी है यह हिमालय के नेड़े रोहतांग दरे विचों निकलती है, तो यह पंजाब के पदरे मैदान में माधोपुर के नेड़े शामिल होंगी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी चंगी तरह याद कर लेना है। तो वादे आप नैक्सट क्वेश्चन के वल। नैक्सट क्वेश्चन गाइज अपने को, अलैगजेंडर महान ने किस दरिया 326 ईस्वी पूर्व में पोर्स में हाइडबस की लड़ाई में हराने लिए पार किया? तो तुम दोस्तों क्वेश्चन पढ़िया होना हिस्टरी के। राइट ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा जेलम। सो अलैगजेंडर महान ने जेलम दरिया 326 ईस्वी पूर्व में पोर्स में हाइडबस की लड़ाई में हराने लिए पार किया? सो जेलम दरिया इसका आंसर है। सो जेलम दरिया पार किया। राइट ऑप्शन नंबर ए है जी चंगी तरह याद कर लेना। तो वादे आप नैक्सट क्वेश्चन के वल। नैक्सट क्वेश्चन अपने को, हेठां विचों किहड़ी नदी एक विनाशक नदी कहलाउंदी है जी? तो कि नदी इन जी कि विनाशक नदी कहलाउंदी है? तो राइट ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोसी। सो कोसी नदी है जो कि विनाशक नदी कहलाउंदी है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। सो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी चंगी तरह याद कर लेना इसनों। तो वादे आप नैक्सट क्वेश्चन के वल। नैक्सट क्वेश्चन दोस्तों अपने को, पंजाब विच किस दरिया पंजाब की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है? सो पंजाब की रीढ़ की हड्डी किस दरिया को कहा जाता जी? तो राइट ऑप्शन डी जी सतलुज। सो सतलुज दरिया, ठीक है, पंजाब विच रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंजाब की रीढ़ की हड्डी सतलुज दरिया कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के राइट है। तो वादे आप नैक्सट क्वेश्चन के वल। नैक्सट क्वेश्चन दोस्तों अपने को, तूसी बन किस दरिया से उसारिया गया जी? सो जो तूसी बन है वो किस दरिया के उपर सारे गया है? द राइट ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्यास। सो जो तुसी बन है वो ब्यास दरिया के उपर उसारे गया है। तो यह भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी। तो वेखते हैं आप नैक्सट क्वेश्चन के बाद दोस्तों। नैक्सट क्वेश्चन दोस्तों अपने को, सतलुज दरिया और ब्यास में स्थित तिकोणे खेत्र को की कहा जाता है? सो सतलुज दरिया और ब्यास खेत्र, ठीक है, इन तिकोणे खेत्र को की कहा जाता है? द राइट ऑप्शन नंबर दोस्तों सी यानी कि दुआबा। सो दरिया सतलुज इतने ब्यास में जो स्थित तिकोणा खेत्र है उसनों आप दुआबा कहने। तो राइट ऑप्शन नंबर सी है। सो जा बहुत ज़्यादा वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंगी तरह याद कर लेना इसनों। तो वादे आप नैक्सट क्वेश्चन के बल। नैक्सट क्वेश्चन दोस्तों अपने को, इन्हों विचों पंजाब का सब तो बड़ा दरिया कि है? लार्जेस्ट रिवर कि जो, तो दोस्तों तुम्हें ईजली पता लग गया होगा। सो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सतलुज। सो सतलुज दरिया जो पंजाब का सब तो बड़ा दरिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वादे आप नैक्सट क्वेश्चन के वल। नैक्सट क्वेश्चन दोस्तों अपने को, गंगा नदी को बांग्लादेश किस नाम ना जाने जाता है जी? सो ये क्वेश्चन भी एग्जाम बहुत बारी पूछा गया जी। सो गंगा नदी है, ठीक है, उसनों बांग्लादेश किस नाम ना जाने जाता है? दी राइट ऑप्शन नंबर ए यानी कि पद्मा, ठीक है जी। सो गंगा नदी को बांग्लादेश के पद्मा के नाम ना जाने जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, तो याद रखना जी। तो वादे आप नैक्सट क्वेश्चन के वल। नैक्सट क्वेश्चन दोस्तों अपने को, हेठां विचों किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है जी? तो इन बिहार का शोक किसनों कहते हैं दोस्तों? द राइट ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोसी, ठीक है दोस्तों।
ਸੋ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਮੋਦਰ ਨਦੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਜੋ ਦਮੋਦਰ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਮਹਾਨਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਸ਼ੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਕਿਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਨਦੀ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਤਾਂ ਦਮੋਦਰ ਨਦੀ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਦੋਸਤੋ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ। ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਗਾਈਸ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਸੁੰਦਰਬਨ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਗੰਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ, ਗੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਨਰਮਦਾ ਤਾਪੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜੋ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਜੇਕਰ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜ ਜਾਇਓ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ।